नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के सागर के बहेरिया में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है और आज दिव्य दरबार था। आज जबरदस्त जन सैलाब रहा, धार्मिक श्रद्धालु रहे यहां उपस्थित और आप हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर लाइन लगी है और लाइन इस वजह से लगी कि ये भोजनशाला की तरफ लाइन जाने वाली है और भोजनशाला यहाँ भव्य भोजनशाला यहाँ आयोजित हो रही है। तो आप लाइन देख सकते हैं, बड़ी लंबी कतार जो है, ये शायद वो कहते हैं कि ये भोग है, ईश्वर का, भगवान का भोग है, उसको पाने के लिए लोग जो है लाइन लगाए हैं। बिना प्याज के, बिना लहसुन के यहाँ खाना बनाया जा रहा है। देखो आप, लाइन लंबी है और लाइन लंबी इस वजह से है कि लोग जो है भोजन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ जबरदस्त जो है भीड़, जन सैलाब है। आप तस्वीर बिल्कुल देखते रहिए, हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। होटल सागरिन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन, वो भी एक ही छत के नीचे, अब आपके सागर में। तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन सागर। कहां से आए हैं आप? मकरोनिया लगाइए तो भोजन से फटकार रहे। पहले 3 घंटा दरबार में खड़े रहे, उसके बाद अब भोजन में आए। आप भी बाहर से? ग्राम मंगरा से आए, सागर यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी से। मंगरा से? हाँ, ये अपने खुराई क्षेत्र पड़ता है। दरबार में बुलाओ तो कि नहीं बुलाओ? नहीं, अभी आए, 1 घंटा हुआ है। भोजन नहीं कर भी आए? नहीं, भोजन नहीं, भोजन से हम साइड में, भोजन तो जब चाहे हो जाएंगे, पहले दर्शन। चलो ठीक है, तो हम और लोगों की तस्वीर आपको बताएंगे। हाँ, कहाँ से हैं? हम राजगढ़ जिले से। राजगढ़ से? हाँ, राजगढ़ जिले, राजगढ़ खिलजीपुर तहसील से। खिलजीपुर, हाँ, राजस्थान लग जाता वहाँ। हाँ, भानपुरा से, गांव भानपुरा से, थोड़ी दूर से राजस्थान लग जाता। हाँ, बॉर्डर, राजस्थान की बॉर्डर। क्या देखते हैं आप पंडित धीरेन्द्र के साथ? अच्छे चल। अच्छा, सुना है कभी? काय में सुना? कथा में। कथा कब की कथा सुन गया? 3-4 कथा सुन गया। यहाँ दिव्य दरबार में आए थे कि कथा सुन गए? कथा सुनने भी आते देर बार। कोई परेशानी? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ भगवान का नाम सुनने आते हैं, कुछ लोग शायद दिव्य दरबार में आते हैं कि अगर उनको परेशानी हो, तकलीफ हो, तो उनको तकलीफ दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं और अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रहे। उन्हें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ज़रूर उम्मीद है। हम आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं और उसके बाद हम बताएंगे एक विशाल भोजनशाला जो है यहाँ आयोजित हो रही है। हालांकि बहुत लंबी कतार के अनुसार जो है यहाँ भोजन के नंबर लगे हैं ताकि व्यवस्था अव्यवस्थाओं में न बदले, इस वजह से लाइन लगाई गई है और आप तस्वीर लगातार देख सकते हैं। ये विशाल भोजनशाला और यहाँ जो है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भोजनशाला है और यहाँ में खिचड़ी है या कुछ और है? खिचड़ी है। क्या मिला है आपको? ये क्या खिचड़ी है? हैं, पूरी भी है, खिचड़ी भी है और पूरी भी है। तो कुल लिहाज से भोजनशाला है, लोगों को यही खाने की व्यवस्था है। एक बहुत विशाल पंडाल लगा है। तो हम एक धर्म और आस्थाओं का, उस देश की, उस प्रदेश की, उस सागर की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें ये भोजनशाला। और आप देख सकते हैं भोजन हो रहा है। हम आपको बिल्कुल तस्वीर दिखा रहे हैं, भोजनशाला की तस्वीर देख लीजिए। बड़े बड़े काउंटर लगे हैं। हाँ, और आप देखिए ये खिचड़ी है। खिचड़ी यहाँ प्रसाद के तौर पे जो है भोजनशाला में दी जा रही है। काफ़ी वॉलंटियर हैं
और आप तो लीजिए, काफ़ी वॉलंटियर हैं, हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लड़कियाँ भी जो है, बेटियाँ भी जो है, इस पूरे आयोजन में वॉलंटियर यानी सेवादार के तौर पर जो है काम कर रही हैं। आप देखो बहुत बेहतरीन तस्वीर, बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था, और ये लंबी लाइन, लंबी कतारें लगी हैं। उम्मीद है कि कतारों से हटके लोग जो है खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो बोले खा रहे हैं खाना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। महाराज जी का प्रसाद एक थाली में सब जने। हाँ, सब जने, दोनों जने। बड़ी मुश्किल से तो एक थाली में ले पाई, यही एडजस्ट कर रहा था। भीड़ है ना। हाँ, भीड़ है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना। मैं घरे कहूँगा तो खुआ ले देता। हाँ, व्यवस्था तो करने पर, बहुत बड़ी व्यवस्था है। बहुत अच्छा, गुरु जी ने भोजन किया खा लिया, खा लिया। यही खिचड़ी, खिचड़ी पूरी खाई, खिचड़ी मिल गई थी, मिल गई, लाइन से लगे थे हम। हमारी जनता है जो वो लाइन में लग के बिल्कुल नहीं आ रही है, जिस कारण से हमारे यहाँ अव्यवस्था फैल रही है। अव्यवस्था फैल रही है तो इसके लिए हम कंट्रोल कर रहे हैं। जनता से अंदर आइए, व्यवस्थाएं आपको नजर अंदर आइए। वहाँ से जनता से एक अनुरोध है कि वो लाइन में लग के यहाँ का सब चेन आराम से करें। तो जनता से अपील है वॉलंटियर यहाँ के सेवादारों की कि लाइन में आकर भोजन करें, बिना लाइन के अव्यवस्थाएं न फैलाएं। हमें बहुत ही अच्छा भोजन लग रहा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इधर की व्यवस्था भी अच्छी है। भूखे हंसे तुम खाए? बहुत अच्छे से खाओ, बहुत अच्छे से भोजन, अच्छे से हो रहा, बहुत तेज चल रही है। आप खा लो, मैं आप खाओ। पूरी और खिचड़ी मस्त है। कहाँ पे देख, किरण भारती की एक लाइन है, और लाइन हम इस वजह से कहेंगे कि भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, और सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदर लगता है। तो ये लगातार महिलाएं भी हैं, लोग भी हैं, ये आस्था और विश्वास का ये बहुत बड़ा जो है आयोजन है, जहां लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। और हम घूम के ये पूरी भोजनशाला आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक बात ज़रूर कह दें कि लोगों को जो लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में हैं या उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, वो ये जन सैल आप ज़रूर देख लें। एक व्यापक भोजन की व्यवस्था है, और एक अच्छी कथा चल रही है, एक बेहतरीन दिव्य दरबार चल रहा है, और लोग अगर उनको मानते हैं, लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सनातन धर्म का संरक्षक मानते हैं, तो फिर आपत्ति किसको होना चाहिए। परमरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।